नमस्कार दोस्तों, मैं आरके राय आपका अपना चैनल आयुर्वेदिक हर्ब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुहासे पिंपल्स के बारे में। पिंपल्स होना एक आम बात है। यह ज़्यादातर 18 साल से 25 साल के बीच की उम्र में ज़्यादा पाया जाता है और कई बार यह एक एज के बाद अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन यह भी देखा गया है जब यह निकलता है तो लगातार निकलता ही रहता है और बाद में यह काला धब्बा छोड़ देता है जो कि देखने में बहुत ही बुरा लगता है। यह तैली त्वचा वालों लोगों को ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिन लोगों की त्वचा तैलीय नहीं होती उसको भी यह समस्या होती है। तो आइए हम बताते हैं मुहासे के कारण। हमारे त्वचा के अंदर तेल की ग्रंथियां होती हैं। यह तेल की ग्रंथियां तेल का अधिक उत्सर्जन करने लगती हैं, जिससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं और फिर बाद में यह मुहासे पिंपल्स के रूप में वहाँ से विकसित हो जाते हैं। यह हर इंसान के हार्मोन्स में बदलाव के कारण होता है, जिससे अधिक तेल का उत्पादन होता है और कुछ लोग ज़्यादा रासायनिक क्रीम यूज करते हैं, बाद में अच्छे से साफ नहीं करते, इसका भी प्रभाव हमारे स्किन पर पड़ता है। कई बार यह भी देखा गया है कि मुहासे इतने बड़े हो जाते हैं कि उसमें से कील और कुछ मल की तरह उसमें से निकलता है, बाद में यह ठीक होने के बाद काला दाग वहाँ पर रह जाता है। तो आइए हम बताते हैं मुहासे के दाग हटाने के कुछ घरेलू उपाय। सबसे पहले आप मसूर की दाल थोड़ा लीजिए और इसमें 2 से 3 घंटे भिगो दीजिए। इसके बाद इसका पेस्ट बना लीजिए और फिर इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी मिलाइए, कुछ बूंद गुलाब का जल मिलाकर रोजाना कुछ दिन तक अपने चेहरे पर लगातार लगाएं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे काले दाग हटने लग जाएंगे, लेकिन आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करें तभी इसका असर आपको जल्दी दिखेगा। यह तो रही दाग मिटाने की बात, तो आइए हम बताते हैं मुहासे से छुटकारा पाने का कुछ घरेलू इलाज। नंबर 1, आगे जो मैं बताने वाला हूँ उसको करने से पहले एक टिप्स, आप घरेलू हर्ब, कोई भी घरेलू हर्ब लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह धो लें और फिर भाप ले। अगर भाप की मशीन आपके घर में नहीं है तो एक बर्तन में पानी उबालें, फिर किसी तौलिए से अपना चेहरा ढककर भाप लें। इससे त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं और हमारे चेहरे पर जमा प्रदूषण भी साफ हो जाते हैं। अगर समय की कमी हो तो गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लें। कोई भी आयुर्वेदिक हर्ब करने से पहले इसको जरूर करना। तो आइए बताते हैं हम मुहासे के 5 आयुर्वेदिक टिप्स और हर्ब के बारे में। नंबर 1, अदरक काटकर मुहासे पर धीरे धीरे रगड़ें और फिर आधे घंटे के बाद धो लें। धोने के बाद एलोवेरा का जेल लगा करके छोड़ दें। नंबर 2, नींबू का रस निकाल कर उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला करके उसका पेस्ट बना लें और फिर मुहासे पर लगाएं और 10-15 मिनट बाद पानी से धो लीजिए। नंबर 3, सेब का सिरका लें, उसमें कुछ बूंद नींबू का रस मिला करके लगाएं, बाद में पानी से धोकर फिर उसके ऊपर फ्रिज से अपने निकाल करके बर्फ, इसको आप धीरे धीरे उस पे रगड़ें, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। 4th है, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर लीजिए, कुछ बूंद नींबू का रस और थोड़ा सा शहद मिलाकर रात को सोने से पहले चेहरे पर लगा के सो जाइए और सुबह उठने के बाद इसको पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए। 5th है जायफल। जायफल हर जगह मिल जाएगा आपको। जायफल को पीस कर इसमें थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर चेहरे पर लगाएं और फिर आधा घंटा के बाद धो लें, इससे भी आपको मुहासे पे फर्क दिखेगा। और आप खाने में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी, ओमेगा 3, वसा, जिंक, जीन में ज़्यादा होता है, अधिक से अधिक सेवन करें। पिंपल्स की कुछ सावधानियां हैं, इसको आपको करना पड़ेगा। नंबर 1, उसको फोड़े नहीं, किसी भी पिंपल को हाथ से नहीं दबा करके फोड़े नहीं। नंबर 2, ज़्यादा रगड़े नहीं। नंबर 3, ज़्यादा केमिकल से बचें। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।